एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10 एनसीईआरटी। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी यात्रा को तय करने में वह पहले वाले समय से 1 घंटा कम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। माना कि ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर्ड डिस्टेंस 360 किलोमीटर। T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ट्रेन के द्वारा जो लिया गया समय है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मान लेते हैं वो कितना है, T1 है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है और स्पीड को हमने क्या माना है, x माना है। तो ये जो T1 जो हमारा टाइम हुआ, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगेन आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड न्यू टाइम T2 इज इक्वल टू बी अपॉन एस। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस तो वही है सेम टू, लेकिन स्पीड को हमने पहले कितनी थी एक्स, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया है। तो ये हमारा नया टाइम T2 कितना हो गया, 360 बाय एक्स प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जब स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो ट्रेन के द्वारा जो समय है, या हम इसे डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच टाइम का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 1 आवर है, 1 आवर का डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो ये समय कम लेगी, इसका मतलब ये कम वाला समय हुआ, और यहाँ स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगी, मतलब ये अधिक वाला समय हुआ। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अधिक समय में से कम समय को हम माइनस कर देंगे और इन दोनों समय का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का है। तो T1 हो जाएगा आपका 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 360 इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 5 माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो 360 एक्स, इसका इधर होगा इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का एक्स प्लस 5 में इज इक्वल टू 1, इसका भी हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 का पहले x में इंटू किया तो 360x, फिर 360 का हम 5 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1800 माइनस 360x, यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 2 और इधर हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1। इस 1 में इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 360x से 360x कैंसिल होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो ये इसमें से माइनस होके जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 1800 और इधर बचेगा 1 में इसका जब इंटू करेंगे तो हमें यही ही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये माइनस का 1800 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ केवल जीरो बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 1800। एक मिनट, यहाँ पर ये जो है ये प्लस का 1800 है तो उधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमें इसका इस तरह से फैक्टर करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 1800, तो हमें इसका इस तरह से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए 5 आ जाए। तो 45 और 50 का अगर हम इंटू करके देखते हैं, 45 और 50 का अगर हम इंटू करके देखते हैं कितना आता है, 5 5 25 का 5, कैरी का 2, 5 4 20 और 2 22 और ये नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है। हमें कितना लाना है 1800 लाना है, तो हम इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं कि कौन सी संख्या है 1800। तो 2 9 जा ये 900 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 तो 5 5 जा 25 और 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 3 3 जा 9 और 50 और 36। अभी भी काम नहीं बन रहा है, मतलब हमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 में फिर 3 का इंटू कर दो। यहाँ पर सबका इंटू करने पर तो 1800 आएगा। हमें ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और प्लस या माइनस करने पर 5x आ जाए। तो हम देखते हैं इनका अगर हम ऐसे इंटू करें 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 हो जाएगा, तो इससे बात नहीं बन रही है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 40 और 5 3 जा 15 3 जा 45। ठीक है, तो देखो 45 और 40 का जब हम इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या करा हमने 5 का 2 में इंटू किया तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 2 जा 15, मतलब इन तीनों का इंटू कर दिया हमने 5 5 से, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और इन तीनों का कर दिया है 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो 45 में 40 का इंटू करेंगे तो 1800 भी आ जाएगा और माइनस करने पर 5 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें वो नंबर मिल गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 बड़ी संख्या प्लस की लेना पड़ेगी क्योंकि इसका साइन प्लस है और छोटी संख्या माइनस की, तो 45x और माइनस का 40x माइनस का 1800। यहाँ पर x है, यहाँ पर 45x, एक काम करते हैं इसे कट कर देते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस का 40x माइनस का 1800। यहाँ फैक्टर कर लेते हैं इनके हम, तो यहाँ हो जाएगा 0, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 45 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 40x है, यहाँ से हम x कॉमन, यहाँ से 40 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से 40x है ना, इधर भी 40 और इधर भी 40 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 45, ठीक है, माइनस ऑफ 40x और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा। इन दोनों में से x प्लस 45 क्या हो जाएगा कॉमन, पूरा की पूरा फैक्टर ही कॉमन आ जाएगा, इधर से आपका x बचेगा उधर से माइनस का 40। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऐसे इधर कर लेता हूँ, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 40 इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगी, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये 40 प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है ये वैल्यू तो इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि तो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब स्पीड कितनी होगी, एक्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हमको यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद। हाँ।